विनय कुमार मरवा जी। जी जी जी, जी। मैं यहाँ पे आने लगा तो मैंने देखा कि आप रावण के बहुत डायलॉग्स बोल रहे थे, तो हमारे दर्शकों को बोलकर सुनाइए जरा। दशानंद जी एक बहुत महाविद्वान ब्राह्मण थे जी, जिनके लिए भगवान विष्णु जी को श्री राम जी का अवतार लेकर के पृथ्वी पर मुक्ति कराने के लिए आना पड़ा जी। जब वो बिल्कुल भगवान के दर्श पाने के लिए व्याकुल हो गए तो कह उठते हैं, संसार को मालूम है क्या ये वैर नहीं है युक्ति है, ये युद्ध नहीं है मधुर मिलन, ये मरण नहीं है मुक्ति है, जिस कारण घोर तपस्या की शीशों की बलि चढ़ाई थी, जिस कारण अत्याचार किए देवों से राड़ भड़ाई थी, था रक्त बहाया मुनियों का कुल पृथ्वी लाल बनाई थी, जिस कारण काल को बांधा था सोने की लंक सजाई थी, छल किया हरि से जिस कारण दुष्टों की पदवी पाई थी, जब कपट रूप को धारा था छल द्वारा सिया उड़ाई थी, परंतु अब समय प्रीत का आया है घड़ी सुहानी आई है, अब और न तरपा ओ मुझको ऐ रघुवर तेरी दुहाई है, मन रोम रोम ये कहता है आवाज यही है पुराणों की, है तेर लगी मंदिर में हे राम तुम्हारे बाणों की, जब रणभूमि में कर कमलों में राम धनुष को धारेंगे, ये जीवन सफल होगा मेरा जब राम बाणों से मारेंगे, जब राम के बाणों से होगा अपना सामना, बाण छाती पर होंगे पूर्ण होगी कामना, लड़ते लड़ते जब ये देह शिथिल पड़ जाएगी, चेष्टा हमारे मन की तब पूरी हो जाएगी, चरण धूली को लगा मस्तक पे हम मुस्काएंगे, ये नेत्र प्यासे दर्शन के तब देखते ही रह जाएंगे, यही दिल की तमन्ना है यही है आरजू मेरी, मेरी आंखों को है केवल रघुवर जुस्तजू तेरी, तेरी खोज में लंकेश दीवाना है पागल है, चला आ भक्त के सन्मुख अगर तू भक्त वत्सल है, अगर ना याद रख इस देह को खंडर बना दूंगा, तेरे आने से पहले मैं खुदी को खुद मिटा दूंगा। तभी भगवान कह उठते हैं, ठहरो लंकेश ठहरो, बुलाया जब तुमने हमको उसे निभाया है, सदैव ही शंकर के चितवन में तुमको दर्श दिखाया है, कहो क्या आरजू है किस लिए हमें बुलाया है, तुम्हारी हर बात बिगड़ी को हमने बनाया है, यही आरजू है तो हम तुम्हें पना देंगे, हम तुम्हारी मांग पर पुष्प भी चढ़ा देंगे, पुकारी जब भक्त तो हम उसको निभाते हैं, नहीं ये राम का आना कदम खुद ही खींचे चले आते हैं, ना शत्रु ही सही तू भक्त भी तो हमारा है, इसलिए बता हमें ऐ वैरी तेरा वैर अपनी जान से भी प्यारा है, इसलिए बता लंकेश तुझे किस सरोभिमान से मारे ये वाक हमारा है, नेजा से शमशीर या बाण से मारूं, बता बता लंकेश तुझे मैं किस मान से मारूं, यदि ये चाहता तो ये शीश मैं काट लूं तेरा, बता लंकेश तुझे मैं किस सरोभिमान से मारूं। तभी दशानंद जी का उड़ते हैं, नेजा से बर्छी भाल या तलवार से मारो, है प्रभु प्रार्थना मेरी के मुझे बड़े प्यार से मारो, भला आपकी त्योरी पे शोभा नहीं देता, है इल्तजा यही के मत तकरार से मारो, सरबांध कफन मैदान में आ ही गया हूँ तो क्या हर्ज है प्रभु जो मुझे उपकार से मारो। तभी दशानंद आगे इस प्रकार के विचार रखते हुए जोशवास में आकर शंकर ऐसा ही होगा, मिला है जो आदेश बिल्कुल वैसा ही होगा, खाको शाधरातल को कर दूं, थारा शाही गगन को कर दूं, उड़ा दूंगा तारा मंडल को पवन को सातवन कर दूं, मैं पांव जमीन पर दे मारूं तो फौरन चाक हो जाए, अगर निगाह जहां पर डालूं जलकर राख हो जाए, अला आज सामने तपस्वी की तेरी मौत आई है, जगा के बगे शेर को तूने अपनी कदा जगाई है। आपने मुझे बहुत अच्छा वाक्य सुनाया ना, मेरे को अच्छा लग रहा था सुनते हुए। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने इतनी डिटेल्स दी कि जो रावण थे वो चाहते थे कि उनका मिलन हो जाए, भगवान से मिलन हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर पूरी लंका सजाई है, लेकिन फाइनली मेरे को राम बाण मेरे को लगेगा तो मेरा भगवान से मिलाप हो जाएगा, तो इसमें बहुत प्यार दिखता है ना, एक तपिश दिखती है और एक करुणा नजर आती है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो रावण को एक बुराई के तौर पर ज्यादा देखती है,
उनको नहीं पता कि रावण कितने ज्ञानी थे, रावण ने कितनी पढ़ाई की थी, जो हम उनके 10 सर भी दिखाते वो इसी चीज के सिंबॉलिक थे कि उनमें इतना ज्ञान था। 4 वेद के ज्ञाता थे दशानन जी जी, और ये स्वयं दशानन जी और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। ये सप्तऋषि जब द्वारपाल मतलब इनको रोकने लगे सप्तऋषियों को तो भगवान विष्णु के पास जाने के लिए, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो स्वयं भगवान रचाने वाले थे सारी लीला को, भगवान अंदर जानते थे सब चीज़ को। तो ये जो मतलब स्वरूप अलग अलग धरे, मतलब ये द्वितीय त्रेता युग में जो है मतलब दशानन के रूप में आए और कुंभकर्ण के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, ये त्रेता युग में आए, इस प्रकार से कई प्रकार के रूप धारण किए भगवान ने और इन्होंने, ये भगवान की लीला थी एक। लेकिन सर जो अभी जो करंट जनरेशन है जी, उस तक ये मैसेज कैसे जाएगा? जैसे हमने तो फिर भी रामानंद सागर की रामायण देख ली जी, तो हमें तो फिर थोड़ा आइडिया, जो मेरी जनरेशन है, जो मेरे से अगली जनरेशन आ रही है, और आप मेरे से भी पहले के, आप इतना ज्ञान मुझे दे रहे हैं, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो ये कैसे समझ पाएगी, क्योंकि उनके लिए तो रावण और दशहरा महज पटाखों और मिठाई खाने का त्यौहार बचा जी 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 जी। तो वो आपको कैसे लगता है कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी? आप अपने बच्चों को ये सब बताते हैं या आसपास यमुना नगर में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके? विपरीत और विपरीत दो चीज़ हुई हैं जी। भगवान सभी स्वरूपों में चले हैं, ये भगवान का ही स्वरूप था जो विपरीत था। दशम दशानन जो है भगवान का ही स्वरूप थे, भगवान ने ही लीला रच करके समय समय पर आकर के अवतार धारण करके आम जनता जनार्दन को, पूरे संसार को, विश्व को जो है शिक्षा प्रदान की है जी। तो इस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती चली गई हैं। दशानन ने जो सीता जी का हरण किया था वो एक तहदिल से अपनी माता मान करके किया था, और जहाँ दशानन ने सीता जी को रखा था वहाँ पर किसी और को जाने की आज्ञा भी नहीं थी, यहाँ तक कि स्वरूप नखत को तक को भी उसको जाने नहीं दिया। तो मतलब वो अपनी एक माता मानता था जी। माँ मान करके उसको रखा था जी। और सीता जी ने भी एक किसी समय में एक एक विश्वास के ऊपर तिनके का सहारा लेकर के उसको कह दिया कि हे दशानंद इससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो भस्म हो जाओ। स्वयं दशानंद भी इस बात को जानता था और उसको लांगा नहीं हुआ। लांगा नहीं। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप जैसे रावण के बहुत बार डायलॉग्स बोलते हैं, तो छोटे बच्चे डरते नहीं आपसे? नहीं डरते तो नहीं है, बच्चे मेरे से बहुत स्नेह करते हैं बेचारे, बहुत मिलते हैं मुझे, बहुत तहे दिल से आकर के मेरे साथ मिलते हैं, बल्कि मेरे साथ वीडियोस भी शेयर करते हैं जी। हैं जी, क्योंकि तो, हमने एक वाक्य सुना था कि जो अभिषेक बच्चन जब छोटे थे तो शोले की शूटिंग होती थी, तो गब्बर और अमिताभ बच्चन के बीच में लड़ाई होती है, तो वो कहते हैं कि वो गब्बर से हमेशा चिढ़ते रहते थे और डरते थे कि पापा की उनके साथ लड़ाई होती है और वो मारेंगे। तो ऐसा आपसे डर तो नहीं है यहाँ के बच्चों को? नहीं ऐसा मेरे से ना, मैं इनको डराता हूँ। आप इतना अच्छा नरेट करते हैं, क्या और लोग आपको नहीं बोलते बार बार कि हमें भी सुनाइए जहाँ जाते हैं इस चीज़ की डिमांड? कहीं जी कहीं कहीं पब्लिक में भी सब अपने साथीगण जो हैं कहीं बेचारे मुझे लेकर के बैठते हैं, कहीं जगह मूड होता तो मैं कह भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ। एक कला है, कला और विद्या तो बांट के चलनी चाहिए। बिल्कुल, कला और विद्या जो है हमेशा बांट के चलनी चाहिए, यही भगवान विष्णु जी के, नारायण जी के अंग समानी है, इसको कभी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बांटना चाहिए। सर आपने ये सब कब सीखा, आपको इसकी शिक्षा कब मिली? देखो जी 2 अक्टूबर 1965 का मेरा बर्थ है जी। तो हमारे फादर उस समय मतलब यहाँ शुरू में मेंबर रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं सनातन धर्म सभा के, तो 70 से तकरीबन हम उनके साथ उंगली पकड़ के यहाँ पर आया करते थे। उस समय आप जैसे परवरिश में शामिल है, आपने जैसे डर की बात मुझे कही, तो हम भी राक्षस रूपों को देख करके बहुत डरा करते थे और सहम के बैठ जाया करते थे। फर्स्ट टाइम में मैंने यानी कि सन 74 में 75-76 में मैंने अक्षय कुमार का रोल किया था। कहाँ पे? यहीं अपनी स्टेज पर जी, सनातन धर्म सभा के।
कैसे अक्षय कुमार का रोल किया था? एक्टिंग की थी, मिमिक्री करते उनकी, क्या किया? अक्षय कुमार का रोल किया था। मेरे पिता घर में एक डायलॉग बोल रहा करते थे, खून टपके खून टप खून टपके खून टपके दर दरो दीवार से, खून की नदियां बहा दूंगा मैं अपनी नंगी तलवार से। हमारे उस समय डायरेक्टर आए थे, पहले शुरू से तो डायरेक्टर हमारे राजकुमार चुग जी रहे हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास परशुराम वर्मा जी आए थे। परशुराम वर्मा जी जब हमारे घर में आए तो उन्होंने कहा, यार ये बच्चा भी हमारा जो है ना बहुत शौक रखता है, इसको रोल दो। तो उन्होंने कहा चलो आज अक्षय कुमार के रोल में इसको देंगे। तो उस समय मुझे अक्षय कुमार के रोल में बगैर रिहर्सल के ही वो स्टेज के ऊपर ले गए थे। अच्छा। तो स्टेज के ऊपर जाते ही मैंने अपना डायलॉग बोला और बोलते ही मेरा हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मुझे, मतलब समझो कि अक्षय कुमार को जैसे मुक्ति प्रदान करी थी, तो उस प्रकार से मुझे। अच्छा, आप इतना अच्छा इनएक्ट करते हैं, आपका कभी मन नहीं किया कि आप एक्टिंग में चले जाएं, मुंबई चले जाएं, इसके बारे में कभी नहीं सोचा? तमन्ना तो इंसान की बहुत बड़ी होती है जी। हाँ। कुछ तकदीर भी होती है, कहाँ तक ले जाती है कहाँ तक नहीं जाना। को फिल्म इंडस्ट्री में या अपने भाइयों में फेमस होना कौन नहीं जाता, लेकिन मैं उससे भी बड़ा ये समझता हूँ कि मुझे यहाँ जो पब्लिक सराहती है और ये दूर दूर तक भी मेरी, मतलब जो आवाज़ जाती है दूर 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 तक भी हमारे को देखती है, लोग सराते हैं, वो कहीं उससे भी ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। अच्छा, आप वैसे सर क्या करते हैं रोज़गार के लिए, क्या करते हैं? मैं रोज़गार के लिए अभी सर्विस करता हूँ, बस प्राइवेट सर्विस है जी। पहले माँ बाप का लकड़ी का काम था। हाँ। अच्छा घराना है हमारा। अच्छा। मतलब अच्छी फर्म थी सन, मतलब 90 में हमारे जो मतलब लॉस होने के कारण फर्म बंद हो गई, उसके बाद मैं सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब जो आपको इतनी सारी नॉलेज है, क्या ये आप अपनी अगली जनरेशन बच्चों में भी आपने इनको दिया, जैसे आप 5 साल की उम्र से सीखने लगे? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा जी, मेरे से आगे कोई ले। घर में किसी ने ये सब सीखा है? मेरा छोटा भतीजा, वो भी मेरे तीर हा करता है। अच्छा, इंस्पायर्ड है आपसे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो वो मेरे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, भाला भूला चलाना सीख गया जी वो जी। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे। चलिए सर, दशहरा की शुभकामनाएं आपको।